हिंकी मंडी स्थित फेडरेशन सभागार में आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जूता कारोबारियों ने नव निर्वाचित अध्यक्ष विजय सामा व उनकी टीम ने संरक्षण मंडल के सभी सदस्यों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जूता कारोबारियों ने नव निर्वाचित अध्यक्ष विजय सामा व उनकी टीम ने संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। स्वागत सम्मान से अभिभूत विजय सामा ने कहा कि BIS को लेकर भ्रांतियों को दूर करेंगे। फेडरेशन के कार्यालय का नवीनीकरण कराकर उसे हाईटेक बनाना, सभी सुविधाओं से सुसज्जित करना भी प्राथमिकता में शामिल रहेगा, जिससे फेडरेशन के सभी कार्य बेहतर तरीके से संपन्न हो सके। आज हम सब के ये सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य संत माननीय डॉक्टर श्री शंकरनाथ जी महाराज, योगी जी महाराज, हम सबको आशीर्वाद देने आए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जिस धरती पर संतों के कदम पड़ जाते हैं वह धरती स्वतः ही पवित्र हो जाती है। मेरी और सारी कार्यकारिणी की तरफ से महाराज जी के चरणों में एक ही विनती है और एक ही आशीर्वाद है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आज उन्होंने जो एक युवा टीम, जो फेडरेशन की युवा टीम जो आज यहाँ पे शपथ ग्रहण होना है, उनको अपना आशीर्वाद देके कहते ना, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, युवाओं के ऊपर अपना आशीर्वाद दिया है। और निश्चित ही ये युवा पूरी टीम है, वो बुजुर्गों के सानिध्य में काम करते हुए फेडरेशन की जो भी अपने व्यापारी भाइयों की आगरा में समस्या होंगी, आगरा के साथ साथ और भी किसी प्रांत में समस्या होगी तो आगरा अव्वल आएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष विजय सामा ने फेडरेशन के संस्थापक स्वर्गीय राजकुमार सामा के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम में सोमनाथ धाम के मठाधीश डॉक्टर शंकरनाथ योगी ने विजय सामा के साथ सभी मनोनीत सदस्यों को फेडरेशन के प्रति निष्ठा व सेवा की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने विजय सामा को सफल जीवन की शुभकामनाएं दी। मैं यही ईश्वर से और गुरु जी से प्रार्थना करूंगा कि ये खूब निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपने कार्य में सफल रह करके समाज की और मार्केट की सेवा करते रहें। आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन का गठन स्वर्गीय राजकुमार सामा ने 1956 में किया था। फेडरेशन शपथ ग्रहण समारोह में हिंकी मंडी के समस्त शू व्यापारी मौजूद रहे। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।